नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कहने जा रहा हूँ एक और अद्भुत कहानी। और सही मायने में अगर आप इस कहानी को समझेंगे तो आप पाएंगे कि इंसान को वैल्यू नहीं है, यानी कि आप कह लीजिए कि कद्र नहीं है इस शरीर की जो कि हमें मिला है। अक्सर भगवान ओशो एक छोटा सा संदर्भ शेयर करते थे अपने प्रवचनों में, वही आपके साथ आगे बढ़ाऊँगा, उसी को आगे बढ़ाऊँगा और उसी की आपको समझाऊंगा कि किस तरह से उस चीज़ को अगर समझा जाए इन डेप्थ तो कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सोच मतलब जो है उसका जागना बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो दोस्तों, आज की कहानी को आगे बढ़ाते हुए भगवान बता रहे हैं, एक बार की बात है, जीसस जो थे वो एक गांव के आगे से गुजर रहे थे। तो उन्होंने क्या देखा कि एक व्यक्ति छत के ऊपर खड़ा गालियाँ दे रहा है। तो भगवान ने और मदिरा पी रहा था, तो भगवान ऊपर गए उसके पास। भगवान ने उससे पूछा, भाई क्या बात हो गई है, इतना ही तुम क्रोधित क्यों हो, क्या बात है और क्यों इतनी मदिरा पी रहे हो? तो उसने भगवान को जवाब दिया, हे भगवान, मैं तो कब के कब मर चुका था, आप ही ने मेरे को ज़िंदा कर दिया और ज़िंदा करने के बाद अब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं अपना समय कैसे बिताऊँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है करने को। तो मैं सोचा कि समय पास करने के लिए मैं मदिरा का सेवन करता हूँ और अपना समय अच्छे से व्यतीत करता हूँ, और ऐसे में जब मदिरा में का सेवन करता हूँ तो थोड़ा बहुत उल्टा सीधा भी बोल जाता हूँ, गाली गलौज भी कर जाता हूँ। तो प्रभु ने बोला कि मैंने तेरे को ये जो शरीर दिया था, जीसस ने उनको बोला उस व्यक्ति को कि भाई मैंने तेरे को जो शरीर दिया था वो इस चीज़ के लिए थोड़ा दिया था, मैंने तेरे को ध्यान के लिए शरीर दिया था ताकि तू इस शरीर की उपयोगिता को समझ कर किसी तरह से अपने जो आप कह लीजिए आत्मा का जो अंतिम चरण जो होता है उसके जो सुपर नेचुरल गोल या आप कह लीजिए कि जो उसका प्राकृतिक गुण है आत्मा का, उसको समझते हुए ध्यान में मग्न हो जा उस शरीर को यूज़ इस्तेमाल करते हुए। परंतु तू इसका इस्तेमाल सही नहीं कर रहा है, तो तेरे को सही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये कह के प्रभु आगे चले गए। इतने में आगे जा ही रहे थे कि दो देखते हैं कि एक व्यक्ति भागे जा रहा है, एक वैश्या के पीछे वो भाग रहा था और वैश्या उसको गालियाँ दी जा रही है सामने से, साथ में उसने भी मदिरा पी रखी थी, वो भी वैश्या को यूँ उसको चेज कर रहा है, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है गंदे तरीके से, उसको तंग कर रहा है। तो भगवान ने उसको जाके कहा कि क्या बात हो गई भैया, क्या बात है, तुम इस तरह से इतना हिंसात्मक हो रहे हो, इस तरह से व्यवहार कर रहे हो, ये व्यवहार तो तुम्हारा सही नहीं है, क्या कर रहे हो तुम? उसने कहा, देखिए प्रभु, मैं तो अंधा था, आपने मुझे आँखें दे दी और मैं जो है बेसिकली अगर यदि मैं अंधा था तब तक तो ठीक था, पर अब मैंने जैसे ही सारी चकाचौंध देखी, दुनिया देखी, तो मुझे अब जितना समझ है मैं अपने बोध और ज्ञान के हिसाब से जो है चीज़ों को मतलब समझ रहा हूँ और कर रहा हूँ, मैं अपना जिसमें मुझे मज़ा आ रहा है उसी काम को कर रहा हूँ, मुझे मज़ा इसी काम में आ रहा है तो मैं यही काम करूँगा। तो बात तो मज़े की है, यहाँ पर सबको मज़ा चाहिए, सबको एडवेंचर चाहिए, तो उसी एडवेंचर के चक्कर में कर्म जो होते हैं वो गलत होते जाते हैं इंसान के। फिर आगे की बात सुनिए, आगे क्या होता है, यही बात दो लड़के खड़े वहाँ पर सुन रहे होते हैं, एक का नाम होता है सुरेश, एक का नाम होता है रमेश। तो सुरेश और रमेश प्रभु के पास जाते हैं कि प्रभु, आपने मैंने सुना आपकी बातें सुनी है अभी इन लोगों से, आपने एक को आंखें दी, एक को ज़िंदा कर दिया, आप ज़िंदा कर सकते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ये पावर जो है मेरी आपसे विनती रहेगी, ये पावर हम दोनों को दे दीजिए और बस हमें नहीं पता, जब आप इतना कर सकते हैं तो हमें तो ये पावर चाहिए चाहिए, आपसे किसी भी कीमत पर चाहिए। तो प्रभु ने कहा कि ठीक है ले लो। तो जैसे ही उन्होंने कहा, उनको पावर मिलती है, वो तुरंत भागते हैं शमशान घाट की तरफ, परंतु उनसे सब्र नहीं होता, पेशेंस नहीं होता, जा रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं शमशान घाट की तरफ एक मुर्दा एक कंकाल देखने के लिए, ताकि उसको ज़िंदा करेंगे, देखेंगे इंसान कैसा ज़िंदा होता है, कैसे करते हैं, पूरी विधि करेंगे। परंतु रास्ते में उनको एक कंकाल दिख जाता है और वो जो है उस कंकाल के ऊपर ही प्रयोग कर डालते हैं। परंतु जब वो कंकाल में जान आती है तो उनको पता लगता है कि वो कंकाल तो शेर का था और शेर ही उनको खा जाता है, यानी कि उन दोनों को ख़त्म कर देता है। तो दोस्तों, ये होती है मृत्यु। मृत्यु ने अगर यदि आपको आना है तो आपके पास कितनी भी पावर्स हों और मृत्यु का जो आप कह लीजिए कि भय है वो इंसान के मन से जाता नहीं है, अगर वो भय इंसान के मन से चला जाए तो इंसान निर्भय होकर, फियरलेस यानी कि निर्भय होकर
अपने आप को आनंद में मेडिटेशन में डुबो सके और इस बॉडी का पूरा प्रयोग अच्छे से कर सके, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये जो बॉडी है हमारे सुपर नेचुरल गोल्स यानी कि मेडिटेशन या ध्यान जैसी विधियों के लिए है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि तीसरी आँख पर फोकस करना भी एक बहुत ज़्यादा उपयोगिता है इस बॉडी की, जो कि हम खुद को साक्षी भाव से यदि देखेंगे तो हम मेडिटेशन में उतर सकते हैं, यानी कि ध्यान में उतर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की एक छोटी सी कहानी कि किस तरह से प्रभु ने उनको कुछ चीज़ें इंसान को दी और उस इंसान ने उसका क्या अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो वही अर्थ का अनर्थ आपको नहीं करना है, आपको अपने शरीर की वैल्यू करनी है और इसका कदर करनी है, उसका ध्यान रखना है, साथ में अपनी आत्मा की जो यात्रा है उसको भी आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, अब आपसे विदा लेता हूँ, धन्यवाद।